छतरपुर में रविवार को प्रशासनिक अमले के द्वारा जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान बिना अनुबंध के दुकानों पर कब्जा करने वालों का जेसीबी चलवाकर अतिक्रमण हटवाया गया। इस दौरान प्रशासनिक अमले के साथ नगर पालिका की टीम और पुलिस बल भी मौजूद रहा। मंडी के सचिव संतोष नागर ने बताया कि वर्ष 2019 में कोरोना काल के समय जिला प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों को मंडी की दुकानों का आवंटन किया था, लेकिन उक्त व्यापारियों ने अनुबंध नहीं कराया। बिना अनुबंध के मंडी की 2 से 3 दुकानों पर कब्जा जमा लिया गया था। पूर्व में 1 दर्जन से अधिक बार नोटिस जारी कर अनुबंध कराने के लिए दुकानदारों को निर्देशित किया गया, लेकिन दुकानदारों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। वर्ष 2019 से जो है उस समय जब कोरोना काल का समय चल रहा था तो हमारे जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने वहाँ से पहले पुरानी मंडी से सब्जी लाने के लिए यहाँ स्थान जो है व्यापारी के मनसानुसार वो जो है दिया गया था, और वो जो है 4 साल से कोई जो है का नाम है ना किराया लिया गया है, वो तो फ्री जो है का नाम है अपने हिसाब से क्रय विक्रय करते रहे। एक व्यापारी 3-3 दुकानों में यहाँ 3 शेड में कब्जा किए हैं, जबकि एक लाइसेंसधारी को सिर्फ 1 दुकान ही जो है बैठकी के लिए जो है दी जा सकती है। कब से आपने कार्रवाई की है? जी मैंने जो बताया ना कि कम से कम 15-16 मतलब आवेदन जो है यहाँ पत्र जारी किए हैं, नोटिस जारी किए हैं संबंधितों को। इसके बाद भी उन्होंने अनसुनी करी, अनदेखी की, मतलब हमारे जो है का नाम है कार्रवाई पे बिल्कुल जो है किसी ने जो है संज्ञान में नहीं लिया है, इसलिए वो कार्रवाई जो है चिन्हित किए गए थे। कितने लोगों पर कार्रवाई? इसमें 23 दुकानें ऐसी हैं जिनका अनुबंध नहीं कराया है, और व्यापारी लाइसेंसधारी उसको दी गई थी लेकिन उन्होंने जो है नियमानुसार अनुबंध नहीं कराया है। 23 दुकानें ऐसी जो है का नाम है वो मतलब उनको हटवाया गया है, और 3 शेड में जो कब्जा किए हैं 2-3 दिन दुकानों में उनको हटवा रहे हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? जी हाँ, आगे कार्रवाई रहेगी। इसके बाद फिर हम संबंधितों के आवेदन के आधार पर उनको जो है बड़े व्यापारी को हम बड़ी दुकान जो है आमंत्रित करेंगे बैठकी स्थल, और छोटों को जो है छोटी। मंडी सचिव ने बताया कि आज मंडी की 23 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई दुकानों का नियमानुसार आवंटन किया जाएगा। जिन दुकानदारों पर कार्रवाई हुई उनमें ज्यादातर सब्जी व्यापारी थे। अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि उनके द्वारा भविष्य में पुनः अतिक्रमण किया गया तो उन पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, मंडी प्रबंधन के अधिकारी, कर्मचारी, नगर पालिका का अमला और पुलिस बल मौजूद रहा।